हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा चैनल, आपका चैनल और हम सबका चैनल। आज की सुबह हो चुकी है थोड़ी लेट बिकॉज बहुत ज़्यादा थकावट थी बॉडी में, बहन की शादी की, व्लॉग थोड़े छोटे छोटे बने क्योंकि काम बहुत था। बट कोई नहीं, एटलीस्ट बने, एक दिन का ब्रेक आया क्योंकि यार सुबह सोया हूँ मैं 11 बजे, दो दिन से सो नहीं पाया था, सोया और लेट के हिम्मत बिल्कुल नहीं थी व्लॉग एडिट करने की, तो मैंने सोचा सो ही जाते हैं बिकॉज हेल्थ है तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं है ना। एक दिन की तो आप गुस्ताखी माफ़ कर सकते हैं जी। बाकी व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बता दो। शाम को एक छोटी सी पूजा है, उसके बाद फंक्शंस कंप्लीट शादी की। अभी चलते हैं फिलहाल घर पर, ब्रेकफास्ट खाते हैं, उसके बाद एक ऑडिशन बनाना है वो बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी आप तो साथ हो ना मेरे। चलो भाई आज देखते हैं घर पे नाश्ता क्या बना है, बहुत दिनों बाद घर का नाश्ता खाएंगे। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। थकावट उतर गई? बिल्कुल उतर गई। अब बताओ नाश्ते में क्या है? अपने नाश्ते में रागी की रोटी और पनीर भुर्जी। क्या भुर्जी? भुर्जी, भुर्जी का अंग्रेजी कैसे बन गया भुर्जी? भुर्जी। और ये है चाय। भुर्जी। अरे वहाँ की फेंके जा रहे हो भाई। वो तो थैला, अब थैला मेरे नहीं, गंदा कपड़े से मैंने वहाँ रख दिया। हाँ तो वहाँ क्यों रखा गंदा? क्या रखा वहाँ? निक्कर। क्यों? पहनेंगे ना। अच्छा वही बात। कहाँ जा रहे हो? जब पेपर आए ना बुढ़ापा तब पता लगेगा। तेरे जब मुझ पर आएगा बुढ़ापा मैंने क्या किया ऐसा? नहीं, मेरे दर्द तक पहुँच रही है, गर्मी गर्मी हो रही है। हाँ ऐसे चला दो। चला नहीं था वो बस। फिर अब कहाँ जा रहे हो साड़ी वाड़ी पहन के? तुम बता दो घूमना कख। लो भाई चल पड़े हैं, शादी में ज़्यादा खा लिया था इसलिए वॉक पे निकल गए हैं। शादी में ज्यादा खा लिया था इसलिए सारे एक साथ वॉक पे निकले, इसलिए सारा परिवार वॉक पे निकला। ये दादी फैट कम कर ली, हजम कर ले जो खाया, वॉक करेंगे तो ही हजम होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बात ऐसी है कि अभी है कीर्तन, किस लिए कथा, किस बात, किस लिए होती है कथा, क्यों होती है? अम्मी ये शादी के बाद हो गई है, शादी के बाद फिर सत्यनारायण की कथा करते हैं ताकि ताकि मतलब कि अब शादी संपन्न हो गई। तो फेरों के बाद नहीं हो रही क्या संपन्न? तब भी नहीं, मतलब सत्यनारायण जी का आशीर्वाद हो जाता ना फिर पूरी हो गई। अच्छा ओके गाइस, तो आज सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण भगवान जी की कथा और यहाँ पे गिर रहे हैं शहतूत, इसको कुछ तो कहते हैं इंग्लिश में, जो बहुत महंगे मिलते हैं। अभी मैं नाम भूल रहा हूँ इसका। पेरीज। ये कहाँ लटका के जा रहे हो कान पे आप? ये सत्यनारायण की कथा में, कथा में लुक चेक करो भाई अम्मी की। ले भाई नया सूट, नई लुक, नई वॉक, दादी अपना चल रही है दबा दब और मौसम हो रखा है सुहाना, ब्यूटीफुल मौसम, नो धूप। मैं किसके बोगन मिला के फूल, ये ले भाई खूबसूरत लगते हैं ये। लो भाई प्रसाद बन रहा है यहाँ पे सत्यनारायण की कथा का, है ना, यहाँ प्रसाद बन रहा है, यहाँ पूजा की तैयारी हो रही है। ये लो भाई पंडित जी हमारे कार्यवाही कर रहे हैं। पंडित जी नमस्ते। स्नानं समर्पयामि पञ्चामृतं
शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि गंगै शमनिश्य गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधं कुरु गन्धद्वारा दुरादर्शां नित्यपुष्पाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो प्रजीर्घावरुहा। पूजा स्टार्ट हो चुकी है, इसके बाद होगा डिनर। सब लोग आ चुके हैं, द ब्राइड एंड द ग्रूम आर हियर। कॉफी भी पी ली, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो नींद है ना वो पूरी नहीं हो पा रही है, रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि बॉडी टूटी हुई है। बहन की शादी है, बहन की शादी थी तो इतना तो बनता है, बहन की शादी में रेस्ट थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि तो काम बहुत सारे होते हैं। कौन फ़ोन कर रहा है ये? एनी गेसेस किसका फ़ोन आया होगा? कर दो कमेंट। और जी देखते हैं कि स्नैक्स में क्या बन रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख शुरू हो गई है। पूरा सेटअप हो रखा है यहाँ पे। भाई एक तो कॉफ़ी भिजवा दो ऊपर, ठीक है? क्या ले भैया? स्नैक्स भी थोड़े थोड़े भिजवा दो। हाँ थोड़े थोड़े भिजवा दो। एक्चुअली पूजा शुरू हो गई थी ना, इसलिए नहीं खा रहे थे। ये देखो भाई सेटअप हो रखा है पूरा। पूजा भी चलती रहे, खाना पीना भी चलते रहे तो ठीक रहता है। हाँ सत्यनारायण भगवान की। भगवान सत्यनारायण भगवान के पूजन के लिए क्या है, कोई मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं, कोई दिन निकालने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि यस्मिन कस्मिन दिने, जिस किसी भी दिन आपके पास जब समय हो, यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता, भक्ति भाव से भगवान का पूजन करना। सत्यनारायणम देवम यदच्चैव निशामुखे, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। कब? निशामुखे। निशामुख कब होते हैं? सायंकाल में सूर्यास्त और रात्रि जहाँ पर क्या हो। ये खाने में है रायता, चावल, दाल, पनीर एंड मिक्स वेज, लिमका। और उमंग भाई आ चुके हैं मार्केट में। ये सब खाएंगे बढ़िया दबा के, क्यों गुड्डा। वाह यार अम्मी आप बढ़िया लग रहे हो यार, क्या चक्कर है? सूट आपका अच्छा लग रहा है। ऐसे ही बढ़िया ही लगते रहते हैं। हाँ। हम तो कुछ तू भी कर ले। क्या कर ले? अरे कुछ शादी वादी कर ले, चक्कर क्या आते ना। तू भी शादी करेगा तो फिर और चमकेंगे हम, क्यों? हाँ। है क्या सीन तेरा, क्यों नहीं करता तू? अरे कर लेंगे हम, क्या लड़की नहीं मिल रही, हम ढूंढ लें क्या लड़की होगी ना। लाइन लगी हुई मार्केट में। मार्केट में तो ये लाइन नहीं चाहिए, हमें तो एक लड़की चाहिए, नेक चाहिए। अभी वक्त नहीं हुआ बस। कब होएगा वो वक्त? अब तो हो गया, बहनों की शादी हो गई, अब तू कर ले। अब मेरा जो है वो है वक्त आने वाला। अब तो हो गई बहनों की शादी भी, ये तो बात सही है। अब तो तू कर ले, अब तू भाई बचा। अब देखो ढूंढेंगे। कब ढूंढेगा, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। सब ढूंढे जितने भी वो है। नहीं नहीं मिल रहे तो हम ढूंढ लेंगे भाई, चिंता क्यों कर रहा है तू? बोल तो सही, क्या करना मम्मी शादी वादी करके कुछ समस्या का है? शादी वादी करके तो करना ही पड़ता है शादी, तो अपना घर बसा सुख से रह। गाइस कमेंट करके बताओ शादी करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, अकेला कब तक रहेगा? अकेला कहूँ मैं तो? अब हमारा हम हमेशा थोड़ी ना रहेंगे तेरे साथ। ए मम्मी यार छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? कर ले कुछ, कर ले बता दे, या तो खुद ढूंढ के ला। झुमके सही लग रहे हैं मम्मी आपके, लाल लाल झुमके देखना। ओए भाई साहब बात मत पलट अब तू। टॉपिक मत चेंज कर, झुमके सही लग रहे हैं, ये सही से लग रहे हैं। बहुत तेज हो रहा है। चलो करते करते कुछ करते ढूंढते। अरे गाइस जो जो लड़कियां कुंवारी हैं, अच्छा मेरी मम्मी को आप मैसेज कर सकते हैं 98213। आगे नहीं बता पाऊंगा। इसमें मैसेज कर दो और प्रोफाइल भेज दो मम्मी को। अच्छा ठीक है मम्मी, बिल्कुल बढ़िया। अच्छी लड़की चाहिए और क्या चाहिए? चलो ठीक, नेक 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 लड़की चाहिए। नेक लड़कियां
डीएम में आ जाओ, कमेंट करके बता दो। डीएम में लिखो सभी नेक है वैसे तो कि मैं डीएम में। वो ये बात तो बिल्कुल सही है कि सारी लड़कियां नेक होती हैं, बट एक आधी होती है मम्मी जो काफी अच्छी होती है। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। गुड नाइट जल्दी बोलो। गुड नाइट। गुड नाइट ऐसे भी कर दो। ओके फाइनल गुड नाइट।